नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच चंद्रशेखर मौजूद हैं, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, और उनसे हम बात करेंगे भीम आर्मी के बारे में और 2019 को लेकर उनका क्या आगे का रास्ता है उसके बारे में। न्यूज़ क्लिक में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर। और शुरुआत करते हैं आपके पिछले एक साल से जी। योगी जी आए हैं और उन्होंने NSA लगाया आपके ऊपर, फर्जी केसेस में डाला और एक साल तक अंदर रखा, जबकि एक बार आपको बेल मिल गई थी उसके बावजूद। तो पिछले एक साल का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि लगातार न्यूज़ आती रही है कि जेल के अंदर भी आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। देखिए, जेल तो खुद में ऐसी जगह है कि जहाँ फैसिलिटी मिलती नहीं, लेकिन जो मैनुअल है जेल का उसके साथ भी छेड़खानी होती है सरकार के इशारे पर। तो जैसे कुछ हमारे जेल में भी एक जो प्रिजनर है उसके अधिकार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको किनारे करके मेरा इलाज नहीं करा गया 8 महीने। उसके लिए मैंने बार बार कंप्लेन की। अच्छा, मैं अपनी बात को आके मीडिया के सामने रख देता था तो मेरा कोर्ट में आने पे मेरे प्रतिबंध लगा दिया गया, मुझे जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस कराया करते थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता कि जैसे परिवार को नहीं 40-40 दिन मिलने दिया गया। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो मतलब एक आदमी को तोड़ने के लिए की जाती हैं, तो सूखी रोटी देना, कभी जो नहीं देना, तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की गई। तो वो सब चीज़ें इसलिए सरकार के इशारे पे कि सामने वाले आदमी कमज़ोर किया जाए, लेकिन हम मिशन मूवमेंट के व्यक्ति तो हौसले तो टूटने वाले नहीं थे, तो सब चीज़ें झेल के आप लोगों के सामने। मिशन पे वापस आते हैं कि भीम आर्मी को अगर देखें और जिस तरीके से इसका उभार हुआ है, भीम आर्मी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या सोच के आपने भीम आर्मी का फॉर्मेशन किया और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्योंकि बहुत ही जल्दी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। और मुझे याद है जब जंतर मंतर की रैली हुई थी जहाँ पे आप आए और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और एक तरीके से लोग देख रहे थे कि एक तरफ जहाँ गुजरात में जिग्नेश मेवानी का इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है और यूपी में मायावती जी के होने के बावजूद एक इतना ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, वो किस तरह से किया आपने? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत सारी हैं और हम लोग सोशल मूवमेंट चला रहे हैं। सोशल मूवमेंट में बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास कि जो जब भी जातिगत उत्पीड़न होता है, जब भी किसी के अधिकार को सीज किया जाता है, या कोई वैसा मतलब कोई भी उत्पीड़न हो उस पर FIR ना लिखी जाए, और FIR लिखी जाए तो गिरफ्तार या ना हो, रेप जैसी भी घटनाएं हो जाती है उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो लोग चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बातों को रखा जाए, कोई हो जो उनकी बात गंभीरता से कहे। तो पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत सारे हमने महसूस किया, क्योंकि हम लोग 12-13 साल से काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों की कुछ सीमाएँ होती हैं, वो सीमा से बाहर नहीं जा सकते। तो सोशल मूवमेंट इसलिए हमें बनाना पड़ा क्योंकि हमारी कोई सीमाएँ नहीं है। तो हमारा किसी व्यक्ति के हितैषी और हम समर्थक नहीं है, तो जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ हैं। तो जो मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं 85% बहुजन समाज की मूवमेंट जो है, और वो इसलिए है कि ये बड़ा परिवार है। क्योंकि जब हम 1931 की जनगणना देखते हैं तो 19-31% आबादी दलितों की थी देश के अंदर, और 14-19% आबादी थी मुस्लिमों की, और 52% आबादी 1931 के आंकड़े पे जो है OBC समाज की थी। तो वो एक ऐसा समाज था जिसको अभी भी आज तक भी देश में जो है हक अधिकार नहीं मिले हैं। सब चीज़ें होने के बावजूद भी जुडिशरी लेकर सब जगह हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, एक भी व्यक्ति हमारा जो है दिल्ली में नहीं है जुडिशरी में। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग पीछे हैं, तो इसलिए ये बहुजन परिवार बनाना पड़ा कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें और अपने मुद्दों पर बात रख सकें, सरकार को मैसेज पहुँचा सकें कि सरकार ध्यान दे। क्योंकि राजनीतिक लोग आपस में उनका गठजोड़ होता है, वो अपनी बातें कर लेते हैं, मुद्दों से भटका के रखते हैं लोगों। तो जब आप ये बहुजन की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल दलित ही नहीं, आप OBC आदिवासी और मुसलमानों की भी बात करें, जो एक तरीके से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो काशीराम के बामसेव से किया जा सकता है। तो कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मायावती जी को इससे काफ़ी डर है, फियर है, क्योंकि एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बामसेव उनके लिए काम करता था, पर ऐसे और अनेक मुद्दों को साथ में जोड़ते हुए भीम आर्मी और रेडिकल रूप से और तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, चीज़ें ये भ्रामक चीज़ें हैं, ये मतलब एक ऐसा प्रचार किया जा रहा है। आप महसूस कीजिए कि बामसेब में तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो फिर एक साहब ने संगठन बनाया DS4 जिसको कहते थे, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो हमें लगा कि वो सोशल मूवमेंट थी उनकी, और वो बहुत मजबूत मूवमेंट थी, पूरे बहुजन समाज को जोड़ने का काम उन्होंने किया उसमें। तो मैंने जैसा 85% की बात मैंने आपको बताई, और आप कह रहे हैं BSP को ऐसा लग रहा है, तो ये कुछ लोगों ने प्रचार किया कि BSP को खतरा है भीम आर्मी तो एक सोशल मूवमेंट है, और सोशल मूवमेंट से किसी खतरा नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी इतनी राजनीतिक पार्टियाँ लेकिन उनके सामाजिक संगठन भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक क्रांति, क्योंकि आपने साहब काशीराम की बात की है, तो साहब काशीराम ने एक नारा दिया था कि राजनीति चले ना चले,
सरकार बने नाम रहे, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। तो जो उन्होंने कहा वही करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हम सामाजिक क्रांति को, जो लोग पॉलिटिक्स करें करें, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए पॉलिटिक्स। अगर सीधे से रखा जाए तो कोई पॉलिटिकल एम नहीं है, पॉलिटिकल एम नहीं है। जो मोदी सरकार को अगर ध्यान में रखें और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके खिलाफ बड़ा मूवमेंट हुआ, भारत बंद हुआ 2 अप्रैल को, और बहुत सारी जाने भी लोगों को गंवानी पड़ी उसकी वजह से, अपर कास्ट वायलेंस के कारण। मोदी सरकार की पिछले 4.5 साल को अगर आप देखें, अब नए चुनाव होने वाले हैं, दलितों की स्थिति पे क्या असर पड़ा है? क्योंकि अगर लिंचिंग्स के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मुसलमानों और दलितों पे हो रहे हैं, राइट्स नहीं हैं, दलित सब प्लान में कट कर दिया गया है, तो राजनीतिक तौर पे इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सरकार है जिसकी आप बात करें, जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो ये संघ के इशारे पर चल रही है। अब संघ का अपना एक एजेंडा है हमेशा से, वो दलित समाज को या जो जितना बहुजन समाज है जिसमें मुस्लिम आते हैं, जिसमें OBC वर्ग आता है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग आता है पूरा, चाहे वो सिख हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, तो उन सब लोगों को दबा के रखने का एक उनकी पॉलिसी है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण अभी भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं, तो जो अदर उसके अलावा जो कास्टर देश में काम करें, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा, अगर इसकी देश का विनाश का कारण है वो जाति है, तो साहब ने सबसे बड़ा फैक्टर दिया कि जाति के बिना, जब तक जाति विहीन समाज की स्थापना नहीं होगी तो देश कभी भी जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो उनका जो एजेंडा है वो उस जो उनका अपना कानून है मनुस्मृति, उसको लागू करना चाहते हैं, तो उसमें वो उन लोगों का हित चाहते हैं जिनके लिए वो उन्होंने वो यूनिटी बनाई हुई है, उन्होंने वो संगठन बनाया हुआ है। तो ऐसे में हमेशा से दलितों के साथ, जैसे एक शिकारी किसी को ठग, किसी को ठगने के लिए, फंसाने के लिए जाल फैलाता है, तो हमेशा से जाल फैलाते हैं बड़ी बड़ी बातें करके कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम दलितों के लिए करेंगे, अध्यादेश ला रहे हैं, पहले अपने आप सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट कि इतनी ये डाटा, इतने झूठे मुकदमे, सब चीज़ें, कौन से झूठे मुकदमे? आप मैं खुद महसूस करता हूँ कि एज एडवोकेट होने के बाद जूत भी कई बार मैं मामला देखता हूँ कि 40 दिन रेप की घटना हो जाती है, उसमें FIR नहीं लिखी जाती, फिर जो व्यक्ति जब FIR लिखे तो दबा के वो धमकाता है, वो कुछ पैसे का वो दिखाता है, कुछ और उल्टे क्रॉस केस करके मुकदमे करा देता है, तो ऐसे में कहाँ न्याय मिलेगा? तो ऐसे में SC/ST एक्ट के खिलाफ खुद एविडेंस देते हैं, फिर सरकार का एक प्रेशर होता है, प्रशासन भी सरकार की बात मानता है, तो जिनकी सरकारें होती है उनके राज में जो रिपोर्ट्स होती है तो वो सरकार ने दी है SC/ST एक्ट में कि ये झूठे मुकदमे, तभी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो और इनका इंटरफेयर है क्योंकि 4 जजों ने आके बताया सुप्रीम कोर्ट के, जनाब काला दिन था वो देश का, कि लोकतंत्र को खतरा है, यानी कि सरकार जो है अंदरूनी रूप से उसमें भी वो कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ रहे हैं, मैं उनको कैसे प्योर करूं? तो ऐसे में ये जो सरकार है पूर्ण रूप से जो है पूरे बहुजन विरोधी है, क्योंकि उन्होंने OBC को भी अभी OBC आयोग बना के ठगने का काम किया, बताने के लिए कि OBC आयोग बना रहे हैं। अब चुनाव आ रहा है नज़दीक, 4.5 साल में जो नहीं कर पाए उन सब चीज़ों को छोड़ के अब धर्म की राजनीति पर आ गए। अब ये राजनीति है वो जो पहले से उनका फंडा है, राम मंदिर वहीं बनेगा, बस इतना ही तो है, लेकिन वो हितैषी नहीं है, वो तो अपनी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। अगर वैचारिक तौर पर देखा जाए, आपने संघ की बात की, तो एक तरफ भाजपा की नीतियां बिल्कुल दलित विरोधी हैं, आदिवासी मुस्लिम विरोधी हैं, पर संघ पिछले कई सालों से बाबा साहब अंबेडकर को एक अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, फोटो लगा रहे हैं अपने ऑफिसेज में, अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, जबकि संघ और बाबा साहब एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। इस पूरे आइडियोलॉजिकल वॉर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि संघ का एकमात्र काउंटर अगर देखें तो बाबा साहब की टीचिंग्स हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल है आपका। संघ जो आज कर रहा है वो समय के साथ बदलता रहता है। ये वही संघ है जिसने बाबा साहब की अर्थी निकाली थी, ये वही संघ है जो आज तक संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता जो जिससे देश चलता है, ये वही संघ है जो तिरंगा को नहीं लगाने देता आपने उस पर, जिन्होंने अपना एक देश से हटके अपनी एक नीति, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मनुस्मृति की मांग की थी। तो ये वही संघ है, आज ये अगर बाबा साहब फोटो लगा तो अपने निजी फायदे के लिए, आज ये सामाजिक समरसता की बात करते तो अपने निजी फायदे के लिए, जब एक स्वर्ण हिंदू एक दलित पे हमला करता है, उसको नुकसान होता है, तब संघ कभी बीच में नहीं आता है। जब कहाँ कहीं दलित और मुस्लिम के साथ कोई छोटी घटना, उससे बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तब बहुत सारे संगठन निकल के जाते हैं। तो हम समझते हैं ये दलित समाज, ये OBC समाज, ये माइनॉरिटी के लोग जो हैं, ये मुस्लिम, ये समझने लगे हैं कि इनका हितैषी कौन है और इनका जो दुश्मन कौन है। तो इनकी पॉलिसी है, वो अपने एजेंडे पर, वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की नीति से वो लोग काम करते हैं। और देखिए, देश इनका नहीं है, स्पेशली इनको पता है देश इनका नहीं है, जब यहाँ के बहुजन जागृत हो जाएंगे तो इनको ये देश छोड़ना पड़ेगा। उसी वजह से वो बार बार आपको देखा होगा कि कोई आदमी पैसे लेके भाग जाता है तो खबर आती है, जो हमारे वित्त मंत्री से मिलके गया,
कभी खबर आती है प्रधानमंत्री से मिल के गया तो सब लोग जा रहे हैं पैसा ले लेके यहाँ से पहले निकल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ का बहुजन जाग रहा है। सोशल मूवमेंट है कि मजबूत हो रही है, उत्पीड़न इतना बढ़ गया है, अधिकार इस तरह छीन ले गए हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर भीम आर्मी जो मुद्दे उठा रही है और जिग्नेश का जो पूरा मूवमेंट था गुजरात में, ज़मीन की लगातार बात हुई, कई लोगों का कहना है कि ये लेफ्ट दलित बहुजन मुस्लिम यूनिटी की तरफ ये एक कदम और है, क्या आपकी भी यही समझ है? देखिए मेरी समझ तो सिर्फ अधिकारों के लिए, अभी मोहन धारा कमेटी की रिपोर्ट एक आई थी इसमें अन्ना हजारे भी जो है उसमें उसके सदस्य थे, 175 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी है देश के अंदर जो कुछ लोगों ने कब्जा रखी है, अगर वो लोगों में बढ़ जाए तो जो लोग भूमिहीन हैं उनको उनको भूमि मिल जाएगी, वो लोग काम करेंगे तो देश तभी तो मजबूत होगा ना, जब देश का पूरा तबका विकास करेगा, किसी एक जाति के किसी एक वर्ग के बढ़ने से क्या देश विकसित हो जाएगा? इस देश की 10% जो है 10% पॉपुलेशन पे 90% रिसोर्सेज उनके पास हैं, 90% संपत्ति उनके पास है, चाहे जमीन टॉप के 1% पे 50%, ठीक है ना। अब ये 90% जो पॉपुलेशन है 10% सर्वाइव करे कैसे? तो यहाँ का जो व्यक्ति है वो बहुत धैर्य पूर्वक है, भरोसा करता है, ईमानदारी की बात जो करता है उसके साथ खड़ा हो जाता है। ऐसे तो करके लूट लिया मोदी जी ने, नोटबंदी कर दिए लोग मरे लेकिन चुप रहे कि कुछ अच्छा होने वाला है, GST लागू की लोग चुप रहे कुछ अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होने वाला था जनाब, सिर्फ लूटने की बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि मैं लूट के ले जाऊंगा देश को 5 साल में, तो उन्होंने लूट लिया देश। देश आज कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, जमीन पे कोई रोजगार नहीं मिला है, तो और जो हक की बात करता है उसको उठा के NSA लगा देते हैं, उस पर मुकदमे लगा देते हैं, उसको जिला और प्रदेश बदर कर देते हैं, जो जज इनके खिलाफ बात करता है उस पर जांच बिठा देते हैं, जो मीडिया इनके खिलाफ बात करती है उनके ऑफिसर्स पे रेड पड़ाती है, अगर कोई अदर व्यक्ति भी इनकी बात करता है दलितों की या मुस्लिमों की या पिछड़ों की बात करता है तो उसको उठा के जो है उनको भी नज़रबंद करवा देते हैं। तो क्या है ये, एक तरह का से जो अघोषित इमरजेंसी लागू की है इस सरकार ने और इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, 1977 की तरह इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चंद्रशेखर, ये आखिरी सवाल मेरा, हालांकि आपने जवाब अलग अलग हिस्सों में दे दिया है, पर 2019 को ध्यान में रखते हुए और आगे आने वाले समय में भी भीम आर्मी क्या रोल प्ले करेगी? देखिए 2019 की बात आप कर रहे हैं, भीम आर्मी बिल्कुल एजेंडे पे है, हम बहुजनों की सरकार चाहते हैं, हम बहुजनों के हक चाहते हैं, बहुजनों का विकास चाहते हैं और उनके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन समय अनुसार जिस तरह का हमें माहौल लग रहा है देश को बहुत ज़रूरत है एक मजबूत गठबंधन की जो भाजपा जैसी जो ताकत है उससे छुटकारा मिल सके, और ये किसी अकेली पार्टी और अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है, इसमें अकेला चंद्रशेखर या कोई भी अकेली पार्टी नहीं कर सकती, सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, इनको जो देश को तोड़ने वाली नीति वो कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं देश हमारा है हमें देश की रक्षा सुरक्षा करनी है, संविधान को खतरा है इन लोगों, सब ये कहते हैं संविधान बदल देंगे, तो जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं तो इस देश का बहुजन तो जाग चुका है, उनको तो पता लग गया कि OBC वर्ग को 340 में जो अधिकार मिले हैं आरक्षण से लेकर सब चीज़ें वो बाबा साहब की वजह से मिले, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिले, तो हमें जो 338-339 में मिला वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिला, बाबा साहब की वजह से मिला, तो ये कहते हैं संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति ला देंगे, तो हमें लगता है पूरा जो बहुजन समाज है वो जाग चुका है, उन्हें ये समझ आ गया है कि पहले सबसे पहले इनको हटाओ क्योंकि वो संविधान, हम संविधान के समर्थक हैं ये संविधान के विरोधी हैं, तो 2019 में तो हम इनको बदलने का काम करेंगे, इसके लिए मैं रैलियाँ करके लोगों को तैयार करूँ, जैसे बिजनौर मेरी रैली है, तो बहुजन समाज को साहब काशीराम ने हमें सिखाया कि बहुजन समाज को सामाजिक रूप से एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हो रहेगा तो कोई भी भ्रामक प्रचार करके, कोई अफवाह फैला के, कोई दंगा करा के उन लोगों को तोड़ देगा, तो मैं सामाजिक रूप से एकजुट कर रहा हूँ लोगों को कि अगर कितना भी बड़ा कुछ मामला हो जाए तो वो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को व्यक्तिगत रखें, उसको बढ़ने ना दें, और ये कहा भी गया है कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ है जो हल्के हवा के झोंके से गिर जाएगा, तो मैं इस एकता को गिरने देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं सोशल मूवमेंट का आदमी, मुझे जवाब देना पड़ता है, लोग मुझसे सवाल करते हैं, लोग मुझसे बड़ी उम्मीद रखते हैं, तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग कहते हैं भैया इस बार भाजपा को हराना है, तो इसीलिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के, और भी मेरे साथ लाखों लोग सब कुछ छोड़ के, भीम आर्मी की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग बड़ा भरोसा करते हैं, लोग उम्मीद करते हैं कोई मामला भीम आर्मी आएगी, भीम आर्मी जुड़े लोग आएंगे, न्याय मिलेगा, तो ऐसे मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर जो है सबसे पहले भाजपा को सत्ता उखाड़ने का काम करें, और मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक और विरोधी नहीं, भाजपा को छोड़ के तो हुई नहीं, तो मैं विरोधी हूँ उन लोगों का, उन नीतियों का, क्योंकि देखिए कोई अगर हमारा विरोध कर रहा है तो स्पष्ट है हमारी पॉलिसी है कि दलितों को न्याय मिले, अगर दलितों का न्याय कोई विरोध कर रहा है तो वो जाने क्यों कर रहा है, दलितों का न्याय का विरोध यानी कि भीम आर्मी का विरोध, हम चाहते हैं दलितों को बहुजनों को अधिकार मिले, तो अगर उनको अधिकार मिल रहे हैं या उनके अधिकारों की बात हम करें जो तो भीम आर्मी का विरोध कर रहा है यानी कि दलितों के अधिकारों का विरोध कर रहा है, अगर हम दलितों के लिए आरक्षण की बात करते हैं कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, OBC वर्ग को जो उनका कोटा उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कोई भीम आर्मी विरोध कर रहा है यानी कि तो वो पूरे बहुजनों का विरोध कर रहा है, तो जो
मतलब किसी कारणवश भीम आर्मी में विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो पहले से चला रहा है कि इनको दबा के रखना है, इनको कुछ ऐसी फोर्सेज खड़ी करनी है, जैसे साहब काशीराम ने किताब लिखी चमचा युग, कि इनको हमेशा जो है इनको तोड़ के रखना है। लेकिन जब तक भीम आर्मी है तो ये समाज को टूटने दिया जाएगा, बहुजन समाज को एकजुट करके एक बहुत बड़ी ताकत बना के इनको अधिकार दिए जाएंगे, इनको नीति दी जाएगी, इनकी सरकार बनाई जाएगी, तो ये खुद अपने आप को जो है मजबूत कर लेंगे। और एक नारा है भीम आर्मी का कि बहुजन समाज जाग रहा है, पूर्ण स्वराज मांग रहा है, तो बहुजनों की आज़ादी के लिए, बहुजनों की सरकार के हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर अपना समय देने के लिए, और आपको आगे की लड़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। जय भीम, जय भीम आर्मी। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।